आम आदमी पार्टी की रैली से पहले उठे कई सवाल, कहीं पैसा देकर तो नहीं जुटाई गई भी। एक पार्षद पद के संभावित प्रत्याशी बोला 1.5 लाख कर दिए खर्च, फिर भी टिकट क्लियर नहीं। रैली में शामिल एक युवा कार्यकर्ता न बता सका पार्टी का नाम। प्रदेश महासचिव ने आरोपों को नकारा और कहा कि आरोप लगते रहते हैं। फिरोजाबाद आज आम आदमी पार्टी की रैली निकालने की तैयारी हो रही थी गांधी पार्क में, तभी कुछ हुआ, कैमरे में कैद। एक पार्षद पद प्रत्याशी ने लगाया आरोप, 1.5 लाख हुआ खर्च, फिर भी टिकट स्पष्ट नहीं। वहीं एक कार्यकर्ता जो रैली में शामिल था उसे यही नहीं पता पार्टी का पूरा नाम क्या है, चर्चा रही कई एक लालच देकर भीड़ में शामिल किए गए हैं। बता दें आज गांधी पार्क से आम आदमी पार्टी की रैली निकलने की तैयारी चल रही थी, तभी इसमें शामिल पार्षद पद प्रत्याशी यूनिश ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए उनका 1.5 लाख अब तक खर्च हो चुका पर टिकट फिर भी क्लियर नहीं। इसके अलावा रैली में शामिल एक कार्यकर्ता से जब पूछा गया कि आपकी पार्टी जिसका झंडा लेकर चल रहे हो उसका नाम क्या है, तो वो नाम तक नहीं बता सका। चर्चा रही कि लालच देते ही चुकाई गई है। इस पर पार्टी के प्रदेश महासचिव ने आरोपों को नकारा और कहा कि आरोप लगते हैं कहीं पैसा देकर तो नहीं जुटा नहीं करते, जनता से जान देंगे और हमारे साथ होगा। उनका भाई का कहना ये भी है कि उन्होंने टिकट लिए 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने पार्टी में। हाँ, इस पर आपकी क्या राय है? वो देखो जी, ऐसा है जो भी संभावित प्रत्याशी करेगा अपनी लाइबिलिटी पर खर्च करेगा। ये कहनी है कि हमने किसी भी पार्टी को प्रत्याशी थे संभावित बताए क्या पार्टी ने इनको पार्टी ने इनको क्या मैनेज नहीं किया था? मैनेज कर रही है, अभी भी कर रही है। मैंने पार्टी के अंदर 50,000 रुपए खर्च करे पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी टोटल में करीब मेरे 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है। क्या कुछ पहले कभी बोला था यहाँ के पदाधिकारियों ने और ऊपर के पदाधिकारियों ने? जी यात्रा ही कह दी थी, जब यात्रा ले गई उसके बाद जो आरक्षण आएगा जब टिकट घुसी। अच्छा, यहाँ तो नेतृत्व में निकाली जा रही है यात्रा, सारे सबको इकट्ठे कर रहे हैं, सब पार्षद जितने भी हैं इसमें जो खड़े हो रहे हैं, सभी कार्यकर्ता नेतृत्व में है। एक ही पदयात्रा नहीं है। अरे आपका नाम क्या है? यूनि जी, अभी क्या मसला क्या चल रहा था, क्यों नाराज क्यों हो रहे थे? इस बात में नाराज जो हुए थे वो इसको इस पार्टी को तुम दिया, मैं जो लेके आया आम आदमी पार्टी दिया, इस्लाम को दिया, मायावती को वो अधिक बना दिया, कोई उसको कोई पद जो दे दिया इन्होंने। ये इस्लाम की हमारी भीड़ देख के इस्लाम की इसमें बोल जो बोलने लगे, तो इस चीज में मैंने आप किस वार्ड से हैं? किस वार्ड से प्रत्याशी घोषित? वार्ड नंबर 54। 54 से? हाँ। आपका कोई प्रतिद्वंदी भी खड़ा होगा क्या? ऐसा जो 4 आवेदन दे दिए, मैं 4 भी जो जो तो अभी मसला क्या हुआ था? ये मसला इस बात होता है, इन भाई साहब ने इस्लाम के गुरु बोले थे इन्होंने, मेरी जब मेरी जनता के सामने इस्लाम की गुरु चोरी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के वो जिलाध्यक्ष हैं, मैं गलती बस बता गया। जी बताइए, आपकी रैली में जो भी कार्यकर्ता आए हैं उनको ये नहीं पता है कि वो किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक और क्वेश्चन है सर कि अभी देखा गया था कुछ जो भी ये कार्यकर्ता आए हैं उनको लालच देके यहाँ बुलाया गया है? नहीं, ये देखिए बात गलत बात है, ये सिर्फ आरोप लगते रहते हैं। इन आरोपों को सिद्ध होने के लिए हम लोग इंतजार नहीं करते, और इनको आरोप लगने दीजिए। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, जनता का जन समर्थन है, जन समूह हमारे साथ है। इसको देखकर विपक्षी पार्टियां जो घबरा जाती हैं, उनकी घबराहट इस बात का सबूत है कि वो आरोप लगाना प्रारंभ कर देती हैं। अभी गांधी पार्क में तो संभावित प्रत्याशियों में कुछ नोकझोंक भी हुई थी, क्या संबंध में आपको पता है कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ।